अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों एक लड़का दरवाजे पे खड़ा होता है। ठेकेदार वहाँ पे आके कहता है, मिस्त्री साहब नाश्ता कर लो। लड़का कहता है, ससुरा एक हफ्ते से दाल खिला रहे हो, हमारा पेट खराब हो चुका है। नीचे से लड़का कहता है, अरे मिस्त्री जल्दी नीचे उतर नहीं तो हमारी दाल निकल जाएगी। इस तरह मिस्त्री नीचे छलांग लगा देता है और मजदूरों से कहता है, चलो नाश्ता करते हैं। मिस्त्री कहता है, अगर आज भी इस ठेकेदार ने हमें दाल खिलाई ना तो इसका मैं वो हशर करूंगा जो इसने सोचा भी नहीं होगा। मिस्त्री कहता है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, चलो मेरे साथ। मिस्त्री नाश्ते के करीब जाके अपने मजदूर से कहता है, जरा देख तो क्या है नाश्ते में। तो जैसे ही लड़का प्लेट उठाता है तो कहता है, वही पुरानी दाल। इस तरह मिस्त्री गुस्से से दीवार को मुक्का मारता है जिसकी वजह से उसका कुछ हिस्सा नीचे गिर जाता है। मिस्त्री गुस्से से कहता है, अबे ठेकेदार ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है, एक हफ्ते से दाल खिला रहा है हमें। ठेकेदार कहता है, अबे यार मैं तो यही दाल खाता हूँ, अगर मेरे साथ काम करना है तो यही दाल खानी पड़ेगी। एक लड़का कहता है, हमारे नसीब में सिर्फ दाल है। मिस्त्री कहता है, इसकी दाल बंद करवाने का मेरे पास एक प्लान है। कहता है, आज रात जब ये सो रहा होगा इसके साथ ऐसा गेम करेंगे कभी ये दाल का नाम भी नहीं लेगा। मिस्त्री कहता है, अभी खा लेते हैं चलो। इस तरह वो रोटी खाना शुरू कर देते हैं। मिस्त्री और मजदूर वहां से थोड़े से निवाले लेके वहां से चले जाते हैं और ठेकेदार खाते हुए कहता है, वाह क्या दाल है यार। कहता है, ये दाल का तो अपना ही मजा है। एक मजदूर मिस्त्री से कहता है, उस्ताद ये दाल खा खा के मेरी परफॉर्मेंस बहुत लो हो चुकी है। कहता है, अब मुझसे काम नहीं होता। मिस्त्री कहता है, आज कुछ ना कुछ करके काम कर ले, कल से ये ठेकेदार हमें दाल नहीं खिलाएगा। लड़का मिस्त्री से कहता है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मिस्त्री कहता है, हाँ यार। इस तरह दोनों बैठ जाते हैं। ठेकेदार आके कहता है, ओ रेस्ट के बच्चे काम करो काम, मुझे शाम तक ये काम क्लियर चाहिए, मैंने एक नया काम भी लिया हुआ है। मिस्त्री कहते हैं, हाँ हाँ काट तो रहे हैं, दाल खिला के गोश्त वाला काम ले रहे हो तुम हमसे। मिस्त्री कहता है, सुबह से 8 बार वॉशरूम जा चुका हूँ। मिस्त्री कहता है, बस आज का वेट कर, आज रात को वो काम करूंगा, इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मिस्त्री लड़कों से कहता है, इंशाल्लाह सुबह बकरे से नाश्ता करवाएगा ये। तो दोनों कहते हैं, इंशाल्लाह। जैसे ही रात होती है तो ठेकेदार सो रहा होता है और पीछे से तीनों लड़के वहां लाइटें लेकर पहुंच जाते हैं और मिस्त्री व्हाइट चादर ठेकेदार के ऊपर दे के ठेकेदार को थप्पड़ लगाता है जिसकी वजह से ठेकेदार उठ जाता है। मिस्त्री कहता है, मरने के बाद भी सो रहा है अलसी आदमी। एक लड़का कहता है, मर चुका है तू, अब हिसाब दे तुम। मिस्त्री कहता है, दे हिसाब अब, अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तूने क्या क्या खाया। ठेकेदार कहता है, मैं क्या हिसाब दूं, मैं कुछ नहीं खाता था, मैं सिर्फ दाल खाता था, दाल। तीनों लड़के कहते हैं, दाल। मिस्त्री कहता है ठेकेदार से, तुमने कमीने कभी गोश्त नहीं खाया। ठेकेदार कहता है, नहीं मैं सिर्फ दाल खाता रह गया। मिस्त्री लड़के से कहता है, इसे 5 कोड़े मारो। और मिस्त्री भी थप्पड़ मारता है, कहता है, ना शुक्रे आदमी। इस तरह लड़का उसको 5 कोड़े मारना शुरू कर देता है। मिस्त्री फिर से कहता है, अच्छा तू ये बता, तूने मछली खाई थी। ठेकेदार मार खा के कहता है, नहीं मैं सिर्फ दाल खाता था, मैंने मछली नहीं खाई। मिस्त्री कहता है, इसने मछली नहीं खाई, यकीनन बकरा और मुर्गी भी ये मिस कर गया होगा। मिस्त्री लड़के से कहता है, इसको मार मार के इसको लाल कर दो। इस तरह लड़का फिर से उसको मारना शुरू कर देता है। ठेकेदार कहता है, माफ कर दो माफ कर दो मुझे, मैं आइंदा से दाल नहीं खाऊंगा। मिस्त्री कहता है, तू खाएगा। इस तरह ठेकेदार बेहोश हो जाता है और तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं। मिस्त्री चला जाता है और कहता है, आज के बाद ये दाल नहीं खाएगा। जैसे ही सुबह होती है तो ठेकेदार सो रहा होता है तो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। मिस्त्री कहता है, सुबह हो गई, उठे ठेकेदार। ठेकेदार परेशान होते हुए बैठ जाता है। ठेकेदार कहता है, मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब है मैं रात ख्वाब देख रहा था। ठेकेदार कहता है, यार मैंने रात बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मिस्त्री लड़कों से कहता है, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना फिर। ठेकेदार कहता है, मुझे ऐसा लगता है फरिश्तों ने सच में मुझे कोड़े मारे हैं। मिस्त्री कहता है, दर्द हो रहा है तो। ठेकेदार कहता है, बहुत हो रहा है। इस तरह मिस्त्री खुश हो जाता है। मिस्त्री कहता है, अच्छा ठेकेदार साहब हम आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं। ठेकेदार कहता है, क्या है नाश्ते में।
लड़का कहता है, नाश्ते में वही आपकी फेवरेट दाल। ठेकेदार परेशान होते हुए कहता है, नहीं खानी दाल, आज के बाद खाना है बकरा, मछली, मुर्गी। मिस्त्री कहता है, सुबह सुबह का टाइम है ठेकेदार साहब, अभी ये दाल पड़ी है इसी पे गुजारा कर लेते हैं। ठेकेदार कहता है, नहीं खानी दाल, अभी गोश्त लेके आता हूँ, अपनी जेब से लेके आता हूँ। और ये कहते हुए निकल जाता है, दाल नहीं खानी, दाल नहीं खानी। और तीनों वहाँ खुश हो जाते हैं।